जोशी इस बीच में साथ है मेरे, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज बाजार का जो सेटअप है ना बहुत ही वीक दिख रहा है, लेकिन इस वीकनेस में अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब हम क्या देखें, हमारे लिए क्या है, क्योंकि जो हो रहा है वो तो चाइना और अमेरिका के बीच में हो रहा है, हम तो बेवजह पिस रहे हैं। मॉर्निंग डिम्पी जी, आई थिंक नहीं, आई थिंक ये ट्रेड वॉर्स का जो रिटेलिएटरी एक्शन आ सकता है अगले कुछ हफ्तों में और जो बाकी के देश भी कुछ कदम उठा सकते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ग्लोबल सेटअप में जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है वहां हमें भी इम्पैक्ट होता है इंडायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक करेंसी वॉर्स में अगर एस्केलेट होते हैं तो आई थिंक और भी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि इन अ सिचुएशन वेयर योर एक्सपोर्ट्स आर डिक्लाइनिंग स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और अगर रूपी डिप्रिशिएट होता है और जैसे हमारे क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बढ़ रहे, क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ट्रेड डेफिसिट पे सीपीआई इन्फ्लेशन पे एक थोड़ा दबाव आता है, तो आई थिंक एक इनडायरेक्ट सा एक इफेक्ट इंडियन मार्केट्स पे आता है, बट मेरे ख्याल से आई थिंक वॉट एवर विल हैपन ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स, कहीं ना कहीं उसके बाद मार्केट से एक टाइम कंसोलिडेशन में जाना चाहिए और उस समय आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऊपर की बिल्कुल आएंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है, अफोर्डेबल हाउसिंग, सिलेक्ट या चुनिंदा एनबीएफसीज, कंजम्पशन प्लेस, एफएमसीजी हो, स्टेपल्स हो, आई थिंक चुनिंदा नाम ये सारे सेक्टर्स में आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं अगले कुछ हफ्तों। ठीक है, एक महेश तो इस पर आपका कमेंट क्या है, ये जो एनसीएलटी में जो कंपनियां गई हुई हैं, देखिए ट्रेड लेने से उनको वैसे ही बचना था लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, जैसे बिनानी का केस सामने निकल के आया, होड़ सी लग गई थी इसको खरीदने की, कुछ स्टील कंपनीज को होड़ सी लगी है खरीदने की, अच्छा तो लगता है कि होड़ लगी हुई है, लेकिन ये खबर तो बिल्कुल उलट है, ये अगर बैन होगा तो फिर आप ट्रेडिंग में फंस जाएंगे कहीं। नहीं बिल्कुल, अगर ये खबर आई तो आई थिंक जो कंपनी ये पूरे प्रोसेस से जा रही है कहीं ना कहीं आई थिंक उसमें अटकलें जरूर आ सकती है। दूसरा आई थिंक जो भी कंपनीज ये प्रोसेस से जा रही थी, आई थिंक मेरा ओपिनियन हमेशा ये रहा है कि आई थिंक पूरे प्रोसेस को एक बार खत्म होने दीजिए, इंटरमीडिएट आई थिंक जो भी मूव्स ये स्टॉक्स दिखाते हैं आई थिंक इट्स मोर बेस्ड ऑन व्हाट न्यूज प्रॉब्ली आर फ्लोइंग थ्रू फॉर दी स्टॉक्स, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे सिद्धार्थ भी कह रहे थे आई थिंक काफी बेहतर स्टॉक्स है ब्रॉडर मार्केट्स में जो देखे जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, प्रॉब्ली लेट दीज केसेस का एक ठोस निर्णय आ जाए उसके बाद ही कदम लेना चाहिए, पर तब तक आई थिंक देर आर फार मोर बेटर स्टॉक इन द मार्केट दैट पीपल कैन लुक एट एंड इन्वेस्ट। ओएनजीसी पे एक बार रिकमेंडेशन ले लेते हैं महेश, आपकी ओएनजीसी पे राय क्या होगी, क्योंकि कल भी अच्छा चल रहा था, आज भी क्रूड की दिक्कतें तो नोटिस हो ही रही है सभी जगह पर, तो ये तो थोड़ा हेज भी है वाला काउंटर भी है, ओएनजीसी पे आपकी राय? नहीं, बहुत क्विकली कहूंगा, जहां तक आई थिंक क्रूड ऑयल प्राइसेस का सवाल है, अगर ये $70 के ऊपर रहते हैं तो आई थिंक जो रियलाइजेशन पास थ्रू होती है वो आई थिंक डायरेक्टली नेट रियलाइजेशन पे आ जाती है ओएनजीसी के बैलेंस शीट के ऊपर। दूसरा आई थिंक रूपी डिप्रिशिएट होता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इसकी अर्निंग्स है ओएनजीसी विदेश से वहां पे भी एक सपोर्ट मिलता है, लेकिन तीसरा जो है मुद्दा उठता है कि अगर $70 के ऊपर रहती है तो आई थिंक जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज पड़ेगी, जो अंडर रिकवरीज अपस्ट्रीम कंपनीज बिल्कुल कर नहीं रही थी, वहां आई थिंक अटकलें आ सकती है, और चौथा आई थिंक जो गैस और ऑयल प्रोडक्शन है FY18 और FY19 अलॉन्ग विथ जो केपेक्स उन्होंने प्लान किया है, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट अगेन इज गोइंग टू टेक सम टोल ऑन देयर कैश फ्लोस, तो येस आई थिंक एक अक्यूमुलेटेड रेटिंग हो सकती है स्टॉक के ऊपर, लेकिन निर्भर होता है क्रूड प्राइस मूवमेंट और रूपी का डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर। महेश, ये आज की ओपनिंग और वापस कुछ 5 ही मिनट में वापस 10,011 का रीगेन कर जाना, ये कितना तर्कसंगत आपको लग रहा है? नहीं, जहां तक आई थिंक 10,000 का लेवल है आपने राइटफुली कहा, आई थिंक एक सेंटिमेंट्स को आई थिंक थोड़ा बरकरार रखेगा, बट जैसे आई थिंक सिचुएशन ग्लोबली हो रही है और जैसे हमारे मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे हम पिछले कुछ दिनों में से भी कह रहे हैं, आई थिंक सॉफ्टनेस मार्केट में बिल्कुल बरकरार रह सकती है, ट्रेड वॉर के कारण है जो करेंसी का एक्सकलेशन हो सकता है, दूसरा है क्रूड, तीसरा है तो आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे आती है इस पर मार्केट निर्भर करेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ द नेक्स्ट रिएक्शन विल बी, पॉलिटिकल इलेक्शन जो आएंगे उस पर भी आई थिंक एक मार्केट की नजर बैठी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे ख्याल से जो आई एम टाइम एंड अगेन रिपीटिंग कि मार्केट शायद एक टाइम करेक्शन में निकल जाए और इस टाइम करेक्शन में आई थिंक अच्छे शेयर मिल सकते हैं, तो आई थिंक बिल्कुल मुमकिन है कि मार्केट में और भी करेक्शन आए, लेकिन इट विल बी अ टाइम वाइज करेक्शन गोइंग अहेड और उसके बाद शायद मार्केट कंसोलिडेट हो, तो आई थिंक वो पीरियड में शायद अच्छे अच्छे शेयर्स जो अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगी कंपनियां
वहां पे अगर हम ध्यान दें जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है मुझे लगता है आई लोअर लेवल्स पे अच्छे स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मिलने चाहिए। अब जरा आप देखिए कुछ शेयर जैसे ऑयल इंडिया के बारे में आपको मिहिर कह रहे थे, एक गेल भी है एक शेयर जो थोड़ा हरे निशान में आया, लेकिन आप हरे निशान में क्या 10 पैसे की गिरावट 10 पैसे की बढ़त जैसा ट्रेड चल रहा है। टीसीएस इन्फोसिस आईटीसी इन्होंने अपनी गिरावट को अब 1% से कम कर दिया, ये अच्छी चीज है कि जो पहले जो गिरावट थोड़ी ज्यादा दिख रही थोड़ी कम हो गई है गिरावट। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज का जो आप 2-2.5% का टिक देख रहे थे ना शुरुआत में वो घटकर 1% से नीचे आ गया है। ये आईटी कंपनीज पे आपका व्यू क्या है मयूरेश, आईटी कंपनीज पे इस समय क्या किया जाए? प्रिजम्पशन हम यही मान के चल रहे हैं कि कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आईटी सेक्टर के लिए ट्रंप साहब ना लाए, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जितनी भी आई थिंक अटकलें और दिक्कतें थी आई थिंक आईटी कंपनीज हैव प्रोबेबली गॉन ओवर एंड अबाव दैट। जितनी डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इनको आई थिंक इनिशियल केपेक्स लगा था जो रिसोर्सेज बिल्टअप करने लगे थे H1B वीजा का इश्यू, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो क्रॉस करेंसी ग्रोथ और डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अलॉन्ग विद वॉल्यूम ग्रोथ और जो एंड यूजर्स हैं BFSI हो रिटेल हो मैन्युफैक्चरिंग हो वहां पे हमें डेफिनेटली ग्रीन शूट दिख रहे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्रीज आर डेफिनेटली विंडिकेटिंग एंड इंडिकेटिंग द सेम। तो टॉप टियर नेम्स में आई थिंक जो हमें पसंद है टेक महिंद्रा जहां पे हमें जबरदस्त ग्रोथ ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन सेगमेंट से आ सकती है, HCL टेक जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन डील विंस काफी अहम है और अहम रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड, जिनकी इंजीनियरिंग डिवीजन है वहां पे भी आई थिंक सुधार देखने मिलेगा अलॉन्ग विद की मेट्रिक्स जैसे यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेंगे और अट्रिशन कम होगा। मिड कैप में मेरे ख्याल से आई थिंक साइंट एक क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है, डिक्लाइन पे ये स्टॉक देखा जा सकता है। माइंडट्री जहां पे रेवेन्यू ग्रोथ डॉलर टर्म्स में जबरदस्त लग रहा है, मार्जिन इबिट और इबिट फ्रंट पे आई थिंक स्टेबल होनी चाहिए, और डार्क हॉर्स कैंडिडेट जो मुझे पसंद है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन अगर मिलती है स्टॉक पे न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर केपेक्स हो गया है जो इनके NBFC की क्लाउड कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर है आई थिंक ये जबरदस्त ट्रैक्शन पकड़ सकती है। एक्स कैश भी अगर मैं कैश फ्लोज देखूं तो मुझे लगता है इंट्रेंसिक वैल्यू एक जबरदस्त हो सकती है अगले 2 से 3 वर्षों में। तो डार्क हॉर्स कैंडिडेट के हिसाब से इतनी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर समथिंग लेटर में ठीक है।